स्टूडेंट्स लर्नर्स मॉड्यूल 3D5 जो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है लिसनिंग रिले। सो प्लीज मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स लर्नर्स, ओके लिसनिंग रिले ये है क्या? रिले मीन्स लिसनिंग के साथ साथ रहना, लिसनिंग के साथ साथ चलना, कुछ साथ साथ आपने सक्सेस किया, इम्प्रूव किया, दैट ये मीनिंग होती है। तो मैं थोड़ा आपको कुछ गाइड भी करूँगी आगे, तो आप देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। ऑलराइट, देन चलिए अब अपने पार्ट एक पर आ जाते हैं। पार्ट एक पर एक्सपेंड परस्पेक्टिव फ्रॉम वीक टू ऑफ द मॉक। ओके ये है क्या? ये है जो आपने वीक टू में मॉक किए हैं उससे रिलेटेड है, वो आपको सिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, उसके थ्रू आपको आपकी एक्टिविटी बुक में मॉक दिया जाएगा इस मॉड्यूल में डे फाइव में। सो वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? ठीक है, जो आपने वीक टू में जो मॉक देखे हैं, ऑनलाइन किए हैं, वो आपको फिल इन द ब्लैंक के थ्रू इस मॉड्यूल में करना हो जो एक्टिविटी बुक में है, मैं भी आपको शो कर दूंगी। ओके सो वो है। देन सेकंड, अंडरस्टैंड द लिसनिंग टू डिफरेंट पीपल सिचुएशन रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडैप्टेबिलिटी। सो इन दोनों की मीनिंग स्टूडेंट्स लर्नर इन हिंदी में अगर जिनको नहीं पता है, सो फ्लेक्सिबिलिटी की मीनिंग है लचीलापन, देन अडैप्टेबिलिटी की मीनिंग है अनुकूलशीलता, ठीक है? सो जैसे किसी को आप सुन रहे हो, अलग अलग लोगों को सुनते हो, अलग अलग सिचुएशन देखते हो, तो उसको कैसे समझना है, सो वो आपको अनुकूलता से सुनना है, थोड़े ध्यानपूर्वक होके सुनना है। ओके तो ये आपको इसमें सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, ऑब्जर्व कैसे करना है। ओके सो स्टूडेंट्स लर्नर्स, कुछ ऑनलाइन मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस देखी थी, सो उसकी लिंक को मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज़ उसको चेकआउट कर लेना, दोनों इसी से रिलेटेड हैं। देन एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो कि मुझे ऑनलाइन मिली थी। ऑनलाइन बहुत सारी लोग वीडियोज़ क्रिएट करते हैं FA से रिलेटेड, सो तो जो मुझे लगता कि आपके लिए यूज़फुल रहेगी, तो मैं वो आपके लिए सर्च करके ले आती हूँ, ठीक है? सो उस लिंक को भी आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लिसनिंग से रिलेटेड है दोनों ही वीडियोस। ऑलराइट, तो चेकआउट कर लीजिएगा। देन सेकंड आपका है प्रैक्टिस लिसनिंग टू इंस्ट्रक्शन। सो ये क्या है? सिंपल, आपको ये तो पता ही होगा, लिसनिंग टू इंस्ट्रक्शन, लिसनिंग की क्या इंस्ट्रक्शन है स्टेप बाय स्टेप, वो समझना है प्रैक्टिस के थ्रू। सो वो टूल्स रिलेटेड भी हो सकती हैं, ऑनलाइन मॉक के थ्रू हो सकता है, ऐप्स हो सकती हैं, ऑडियो वीडियोस हैं, सो जो भी फैसिलिटेटर आपको कहते हैं, प्लीज़ अब्जॉर्व सुनिए, उसी के थ्रू आप सीखोगे, इम्प्रूव करोगे। ओके सो इसमें ये आता है। देन ये आ गया स्ट्रेटन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इफेक्टली बाय मिनिमम पेयर्स। फिर से आपका एक्टिविटी बुक में है, जैसे कि मैंने बताया था, पेन पैन एंड प्लेन पिन, इस ये होते हैं मिनिमम पेयर्स जो लिटिल बिट साउंड सेम होते हैं, ठीक है? आपकी एक्टिविटी बुक देखोगे तो उसमें पूरा दिया गया, मैंने प्रीवियस मॉड्यूल में भी अच्छे से एड ऑन करके दिखाया है। अब क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जिन्होंने भी मेरी वीडियोस देखी है उन वो अच्छे से समझते होंगे। ओके सो इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर रही हूँ। देन आपका वर्ड ऑर्डर है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए कुछ आपके लिए मैं एक्टिविटी बुक में से भी आपको दिखा देती हूँ, शो कर देती, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स चले, इसमें फिलहाल सिर्फ इतना ही है, आई होप ये आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट्स लर्नर, न्यू वर्ड है, इसकी मीनिंग जान लेते हैं। एक्सपेंड एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एक्सपैंड 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 expand expand expand
expand, 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 expand. Okay, to become or to make something bigger, फैलाना. Okay, फैलना, फैलाना. Okay, this is the meaning of this word. Next, students, learners, what does mean in reading? Relay. Okay, to tell something to heart. I relate the news to the other. All right, others. Pass out karna. All right, what do you mean relay? Definition of relay: the act of passing something along from one person or group to another. All right, koi cheez ko pass hona. The relay was successful. Type of hanging over. Okay, passes, the act of passing something to another person. Okay, koi cheez pass hona, saath chalna. Okay, कोई चीज होना. Okay, what is relaying in communication? Okay, ये तीनों चीजें. One, two, and three important है. Alright, देखिए, to send them or broadcast them. कम्युनिकेशन में टू रिले टेलीविजन और रेडियो. ऑलराइट, सो ये तीन मीनिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. एक वर्ड की कई मीनिंग्स होती हैं इन इंग्लिश. ओके, इन डिफरेंट वे में, डिफरेंट किसी भी सिचुएशन में, तो वो हमें समझना होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स. स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चलिए वर्ड की मीनिंग जान लेते हैं. Perspective means a way of thinking about and understanding something, such as a particular issue or life in general. All right, help us see the problem from a new perspective. So ये इसकी meaning है. So please आप इसको pause करके read कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा. आपको show करने के लिए है, ताकि मैं आपको सही तरीके से शो कर सकूं, ताकि आपकी लर्निंग सही तरीके से चल सके. ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, देन नेक्स्ट आपका है अडैप्टबिलिटी. ओके, अडैप्टबिलिटी मींस व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ अडैप्टबिलिटी एंड अडैप्टबिलिटी और विलिंगनेस टू चेंज इन. ओके, इन दोनों को चेंज करके बना. ओके, अडैप्टबिलिटी इन दोनों को चेंज करके बना है. एंड एबिलिटी और विलिंगनेस टू चेंज इन ऑर्डर टू सूट डिफरेंट कंडीशन. अडैप्टबिलिटी इज अ नेसेसरी क्वालिटी इन एन ओवर चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट. ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स. नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स. ये देखिए, ये आपका मॉक है, जो कि आपको समझ के करना है, क्योंकि जो आपने वीडियोस देखी है उससे रिलेटेड है. जो भी आपने मॉक आपको समझाया गया है ऑनलाइन, अलग अलग एफए के अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन जो भी आपका वीक टू में मॉक हुए हैं उनसे रिलेटेड होगा. सो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स टू समझ के करना है, क्योंकि आप ही समझ सकते हो और मैं नहीं बता सकती. मैं कोई भी टेस्ट आपको ऑनलाइन नहीं बता सकती, वो एफए के रूल के अगेंस्ट होता है. ठीक है, ये आपने हमेशा देखा होगा कि मैं वो चीज़ नहीं गाइड कर देती हूँ, आपको हिंट दे देती हूँ. ओके, क्योंकि ये रूल के अगेंस्ट है, ये मैं कभी नहीं करूँगी. ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं. थोड़ा आई होप इससे स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हर कई स्टूडेंट बोलते हैं मैम पूरा एक्सप्लेन कीजिए, पूरा आंसर दीजिए. कभी कभी नहीं देती हूँ, इसी यही रीज़न है. स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वन मोर थिंग. ओके, सो देखिए, क्योंकि आपका फिफ्थ डे है, सिक्स डे पे आपका कंपटीशन है, तो उससे रिलेटेड है रूल ऑफ द कंसेंट, जो भी आपका होने वाला है. ओके, उनमें आपके लिए क्या क्या चीज़ें,
4 क्वेश्चन इन ईच होंगे, 15 सेकंड टू आंसर, नो नेगेटिव मेकिंग एंड नो चांस टू चेंज. ओके, सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए. देन सेकंड आपका है जिस पे आपका कॉम्पिटिशन होगा उससे रिलेटेड है, स्टार्ट टू पार्टिसिपेट. ओके, नियर पोर्ट, नियर पोर्ट आपका ऑनलाइन जो भी कॉम्पिटिशन है वो होगा. देन इसमें फुल नेम आपका होगा, देन टीम का नेम, देन क्लास का कोड या जो भी आपका टीम का कोड है वो आएगा. ठीक है, सो ये पॉइंट मैंने मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए ताकि आपको हेल्प हो सके. ठीक है, सो आज के लेसन में इतना ही. सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर, मैंने 2 लिंक शेयर करी है वीडियोस की, वो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा. एक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है. ओके, देन लिसनिंग से रिलेटेड है. ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर, सो अगर आपको लगता है वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. मैं चलती हूँ एक और मॉड्यूल बनाने के लिए, तब तक लेटा टाटा बाय.